मैं रवीना एमएलएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबर। नागपुर फुटाला परिसर में चल रहे सट्टा पट्टी के अड्डे पर छापा। अंबाजरी पुलिस ने फुटाला परिसर में चल रहे सट्टा पट्टी के अड्डे पर छापा मारकर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में हजारी पहाड़ निवासी सुभाष वामन राव, नार नवरे कोराडी निवासी नरेश मानकर, ओल्ड फुटाला निवासी सिद्धार्थ कुसुबा रंगारी, न्यू फुटाला आकाश पोयाम, आकाश ढाकुलकर, अमोल गोपाले, आम्बेडकर नगर वाड़ी निवासी गुरु नरेंद्र सुखदेवे का समावेश है। आरोपियों में से नगद 9,600 रुपए और अन्य सामान सहित 48,500 रुपए का माल जब्त किया है। वही दूसरी खबर सामने आ रही है, गोंदिया राज्य में होगी 8,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती। गोंदिया जिले का पिछड़ापन दूर करने जन उन्मुख प्रशासन के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं क्रियान्वयन की जा रही है, जिसका लाभ राज्य के अंतिम छोर पर बसे गोंदिया जिले के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में किया जा रहा है। वहीं धापेवाड़ा उपसा सिंचाई योजना के लिए पहली किस्त में 50 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए। वहीं गोंदिया भंडारा जिले की 7 तहसीलों को मिलेगा लाभ। पुलिस भर्ती जिले के बेरोजगारों को मिलेगा अवसर। जिले में नक्सल गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस विभाग अच्छा काम कर रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने 8,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती का निर्णय लिया है। निश्चित ही इस भर्ती का लाभ जिले के शिक्षित बेरोजगारों को भी मिलेगा। यह भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद बने रहिए एमएनएस न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।